दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। शाहजहांपुर गांव में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई है। देखिए एक युवक को चोट आई है, काफी गंभीर है, ब्लड वगैरह दिख रहे हैं। सर में कितनी चोट है दिखा दो, दूर से दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं। बाकी बहुत सारे लोग गाँव के हैं, ये बताएंगे इस वारदात को किसने अंजाम दिया। ताऊ जी आ जाओ, आप आ जाओ, ताऊ जी आप आ जाओ, ताऊ जी हाँ और आ जाइए भैया, जो लोग जानते हैं उस वारदात के बारे में। आपको भी चोट आई, आप भी आ जाओ, बस चोट दिखा दो, नाम बता दो, बस नाम क्या है आपका? नाम होशियार सिंह नाम है। किसने मारा आपको? सो मेरा उनके साथी थे, दोस्त थे, लड़के थे, पूरा परिवार की हत्या हुई है। पिता पुत्र की हत्या, राजकुमार और हिमांशु उसका बेटा है। राजकुमार आपका छोटा भाई है, हिमांशु उसका बेटा है, यानी कि दोनों की हत्या हो चुकी है। बाकी नाम अगर आप बताओगे, हाँ, कौन बताएगा? चलो आप जो है टांके लगवाइए, काफी चोट आई है, कई और लोग हैं जो जख्मी हैं। आप बताओ क्या नाम है? मेरा नाम जानकी प्रसाद, पत्रलोक में। तो हमला जिसने किया है क्या नाम है उसका? हमला जी धर्मवीर सुमेरा, उनका पूरा परिवार है। क्या लड़ाई झगड़ा है आपसे इनका? कुछ भी नहीं था, लड़ाई झगड़ा रास्ते का था। हमको भाई जब पंचायत ने फैसला दे दिया वो ठीक है, हम तो मान रहे हैं पंचायत की बात को, वो नहीं मान रहे। अच्छा अच्छा। चलो अपने फिर 112 गाड़ी आ गई, चौकी चलो, चलो चौकी चलो। चौकी जाने पे हम तो मैं बुखार आ रहा था, मैं कपड़ा पहन के आऊँ, मैं तो घर चला गया। वो होशियार सिंह था, वो भी घर चला गया और हमारे सभी बच्चे घर चले गए। ये दोनों हमारे बीच का लड़का उससे छोटा मंडे वाले से उसके गेट पर खड़े थे। तो चलो भाई अपना यार फूस काटो। अब ये किले से आए इकट्ठे हो गए 10-15 आदमी और चाकू थे फरसा थे, क्या हथियार थे? फरसा था, बल्लम थी, लाठी थी, सरिया थी, राड थी। घर पे ही हमला हुआ था? हमारे घर पे ही हमला हुआ है। दोनों की मौत हो गई, हम यहाँ खड़े हैं, दुखद है। और बच्चे हैं इनके, राजकुमार के? एक लड़का रह गया है, एक लड़की है, लड़का आ गए। हिमांशु की उम्र कितनी थी? 21 साल के थे। 21 साल, अच्छा ठीक है सर, धन्यवाद बताने के लिए। आइए SHO साहब हैं छायसा पुलिस थाने के, जो कार्रवाई कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं इस मैटर में क्या कार्रवाई की गई है, मुकदमा वगैरह दर्ज है कि नहीं। जनाब नमस्कार, क्या हाल है सर? जो ये मामला हुआ है, वारदात हुई है, मुकदमा वगैरह बना इसमें? हाँ, मुकदमा दर्ज हो गया है। कार्रवाई वगैरह चल रही है? कार्रवाई देखते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हो जाए संडे है, पोस्टमार्टम हो जाए तो। अच्छा, पोस्टमार्टम अभी नहीं? पोस्टमार्टम अभी नहीं। और जो वारदात करने वाले हैं तो उनको पकड़ने के लिए हमारा लगी हुई पुलिस टीम लगी हुई, आज कर लेंगे, कर लेंगे उनको, कर लें। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके थैंक यू। ठीक है सर, तो देख सकते हैं पुलिस लगी हुई है कार्रवाई में, कह रहे हैं उनको गिरफ्तार भी करेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। तो शाहजहांपुर गांव का मैटर है, अब पिता पुत्र की हत्या यहां पर हुई है, जिनका पोस्टमार्टम BK हॉस्पिटल में होना है, लेकिन आज संडे है, आज छुट्टी का दिन है, तो डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहे, लेकिन रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आज ही पोस्टमार्टम हो जाए और आज ही जो है आगे की कार्रवाई शुरू हो जाए। बाकी जो अपडेट होगी इस मैटर में आपको बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।